यूँ कहा जाए तो मैं टीचिंग का मेरा एक्सपीरियंस टोटल इस समय बैंक टाइम में 9 साल हो गए। अब पिछले मैं 9 साल से पीजीटी फिजिक्स को देख रहा हूँ, स्कूलों में टीच कर रहा हूँ। लेकिन यूँ बात किया जाए तो कोविड के दौरान 2019 से जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, मैंने बहुत सारे ऐप पे क्लास लिए हूँ। यदि हम बात करें सिंपली तो जूम पे, गूगल मीट पे, स्काइपी पे और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ऐप थे जहाँ मैंने क्लास ली हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे इशू आ रहे थे। मेन इशू फ्रिक्वेंसी का, फ्रिक्वेंसी मतलब नेट पैक की बात कर लिया जाए तो कम स्पीड पे ही टीचमेंट बहुत आसानी से वर्क करता है, चाहे बारिश की बात हो, चाहे जैसा भी, कम से कम फ्रिक्वेंसी रेंज पर भी, बैंडविड्थ पे भी टीचमेंट ऐप नॉर्मली वर्क कर रहा है। तो यूँ कह लिया जाए तो मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में टीचमेंट का बेसिकली इस कोविड टाइम में बहुत ही बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैंने हर ऐप को यूज किया है। लगभग लगभग मैंने सारे ऐप को जो कि ऑनलाइन सुविधा प्रोवाइड कर रहे थे कोविड दौरान, मैं वहाँ पर यूज किया हूँ। लेकिन इससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इसके पीछे दो रीजन है। पहला तो टीचमेंट ऐप का मुझे एक क्वालिटी अच्छी लगी, इन्होंने कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने एक नए वेबसाइट पे जो आप बनाए हैं वहाँ पर आप दे दो, जैसे बच्चे जो नहीं देख पाए वो बाद में देख लें। दूसरी बात, असाइनमेंट चेकिंग और अब फीडबैक बच्चों की देना है, सबसे बेस्ट क्वालिटी मुझे ये भी लगी। हालांकि फॉर्म का एग्जाम तो गूगल फॉर्म पे मिल रहा है, लेकिन असाइनमेंट करेक्शन का, चाहे बात स्टडी मटेरियल अपलोड करने की हो, ये इनके बेस्ट से मुझे फीचर लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है आज टाइम में टीचमेंट का यूज करने के लिए। तो मेरे लिए इतना ही, थैंक यू।